सिंगरौली की खेती। दोस्तों नमस्कार, मैं आज आपको दिखाऊंगा लाल वाला आलू, आलू की खेती कैसे की जाती है और किस प्रकार से आलू के बीज लगाए जाते हैं। आप हमारे साथ बने रहें, देखें पूरा प्रक्रिया। आप देख सकते हैं सबसे पहले खेतों की अच्छी तरह से जुताई होनी चाहिए, उसके बाद अच्छी तरीके से आलू लगाने वाले स्थान को कुल्ला मेड़ बनाकर कैसे लगाया जाता है पूरा आप देखें। हम अपने व्यवस्था से आलू कैसे लगाते हैं ये ध्यान से देखें। अपने कुदाल से सीधी लाइन बनाते जाएंगे और इतनी पतली लाइन नहीं होनी चाहिए कि मेड़ बनाने पर आलू बाहर निकल जाए, इसलिए उसकी दूरी बनाकर ही कुदाल से सीधी लाइन बनाएं हल्का गहरे में। उसी लाइन पर बारी बारी से हम आलू के बीज 10 से 12 इंच की दूरी पर रखते जाएंगे। तो लाइन बनाने के बाद छोटे छोटे बर्तनों में आलू के बीज लेंगे, इसलिए छोटे बर्तन में लेंगे ताकि आलू के अंकुर टूटे ना, किसी भी प्रकार से अंकुर टूटे ना, इसलिए छोटे छोटे बर्तनों में रखा जाता है। और उसी लाइन पर आलू 10 से 12 इंच की दूरी पर एक एक आलू रखा जाता है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं आलू बारी बारी से रखा जा रहा है। आप देखें सभी लाइनों में किस प्रकार से आलू रखा गया है, इसी प्रकार से आलू रखा जाता है। और बीच से कुदाल फरुही से मेड़ को पलट दिया जाता है और आलू मिट्टी में छिप जाता है, आलू के ऊपर मेड़ बन जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार मेड़ बन गया है, ये आप देख सकते हैं पूरा मेड़ बन के तैयार हो गया है, आलू लग गया है। मिट्टी पलट देने से पूरे मिट्टी ऊपर हो जाने से आलू के बीज छिप गए हैं और इसकी दहाई होगी और अच्छे से अंकुर बाहर उगने लगेंगे, जमना प्रारंभ होगा एक पानी के बाद। आलू हमारा लग गया, पूरा देखें प्लाट। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ बने रहें, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।